नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना YouTube चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की फिल्म, यानी तीनों फिल्मों को कब से सिनेमा घर में रिलीज किया जाएगा। आज इसी के बारे में आप लोगों को बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, इन तीनों फिल्मों को रिलीज किया गया था होली के शुभ अवसर पे सिनेमा घर में, और तीनों फिल्मों को सिनेमा घर में बम्पर ओपनिंग मिला था। मगर इन तीनों फिल्मों को सिनेमाघर में सिर्फ 5 दिन ही चलाया गया, क्योंकि कोरोना वायरस के आने से और लॉकडाउन लग जाने की वजह से इन तीनों फिल्मों को सिर्फ 5 दिन ही सिनेमाघर में चलाया गया। मगर आप लोगों के लिए अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी है कि 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलने वाला है और इन तीनों फिल्मों को उसी सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा जिस सिनेमाघर में इन तीनों फिल्मों को रिलीज किया गया था। हां तो चलिए दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहता हूं इन तीनों फिल्मों को आप लोगों के बीच कब से सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इन तीनों फिल्मों को 15 अक्टूबर के बाद सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, 15 अक्टूबर से सिनेमाघर भी खुल रहा है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग तैयार ही इन तीनों फिल्मों को देखने के लिए अपने नजदीकी सिनेमाघर में, क्योंकि ये तीनों फिल्में बहुत ही जबरदस्त और महंगे बजट की फिल्में हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इन तीनों फिल्मों में से सबसे ज्यादा आप लोगों की कौन सी फिल्म का इंतजार है। और दोस्तों, निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।